सिंगरौली में कोरोना संक्रमण में अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना वॉरियर्स को पुलिस अधिकारियों ने सम्मानित किया। वहीं चार बच्चों को बचाने वाली एसडीआरएफ की टीम को कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया गया। सिंगरौली के एसपीटी के विद्यार्थी ने कहा, कोरोना संक्रमण से बहुत हद तक सिंगरौली सुरक्षित रहा, इसके लिए जिले के कोरोना वॉरियर्स बधाई के पात्र हैं। यह अन्य लोगों के लिए भी आदर्श है। मोरवा में आयोजित पत्रकारों व कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जब लॉकडाउन प्रारंभिक स्तर पर था और पूरे देश में कोरोना संक्रमित बढ़ते जा रहे थे, उस समय कोरोना वॉरियर्स की गतिविधियों के द्वारा जिले में संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदम सार्थक रहे। अब जब अनलॉक एक समाप्ति की ओर है, इस समय कई छात्र मजदूर स्थानीय लोग पलायन कर जिले में आ रहे हैं, फिर भी यहां अन्य जगहों की अपेक्षा संक्रमण की संख्या काफी कम है। सम्मान समारोह में पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों के साथ ही कोरोना वॉरियर्स को श्रीफल व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। दूसरी ओर सिंगरौली के माड़ा थाना अंतर्गत राज मिलान गांव के पास बिजुल नदी में विगत दिवस चार बच्चे फंस गए थे। इन बच्चों को एसडीआरएफ व होमगार्ड की टीम ने सकुशल बाहर निकाला। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने रेस्क्यू कार्य की सराहना करते हुए उनके इस जोखिम भरे कार्य व उद्यम साहस को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।